हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल होमी टिप्स। आज मैं आपके लिए एक बहुत अच्छा टिप्स लेके आ रही हूँ जो कि हमें बहुत ही सस्ते में बिना पैसे खर्च करे भी बन सकता है। जैसे दोस्तों, ये हम कई बार ले आते हैं, इसमें जैसे कुकीज है, बिस्किट है, कई सारी चीजें आती हैं, तो मैं ये लेकर आई थी। ये अब खाली है, मैं इसे क्या इस्तेमाल करती हूँ आप देखिए। जैसे ये हम शैम्पू के पाउच लेकर आते हैं कई बार, तो ये वॉशरूम में ऐसे फैले रहते हैं। इसको अरेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, आप इसको अलग अलग करके रख सकते हैं, अदरवाइज ऐसे भी रख सकते हैं। मैं इसको अलग नहीं कर रही हूँ, ऐसे एक के साथ एक इसी तरीके से, ये क्योंकि वॉशरूम में ऐसे ये फैले रहते हैं तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और ये देखिए आप इस तरीके से और ये अच्छे से अरेंज करके रखेंगे, कितना अच्छा लगेगा और जगह भी कम लेंगे और ये हमारी अच्छे से काम भी आ जाएगा। ये तो हुई शैम्पू की बात, अब इसे मैं निकाल देती हूँ दोस्तों। इसी डिब्बे को मैं दूसरे यूज में लूंगी। अब ये मेरे पास है पाउच, किस चीज के हैं, टोमेटो केचप के। इसी तरह ग्रीन टी, एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकते हैं आपके पास। अब उसको अरेंज करने के लिए डिब्बा हमारे बहुत काम आने वाला, मेरे पास ये बहुत कम है, अगर ये पूरा भरा होता तो बहुत अच्छा था। ये फ्रिज में रखने के लिए भी आपके लिए ये बॉक्स बहुत अच्छा है। चलिए दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट टिप की ओर। ये कुकर की रबड़ है, ये ढीली हो चुकी है, अब मेरी यूज की नहीं है, हम इसे फेंक देते हैं। लेकिन मैं आज इसका एक बहुत अच्छा सा यूज बताती हूँ आपको। आप इसमें अपने कपड़े सुखाने की जो चिमटी है इस तरीके से अरेंज करके रख सकते हैं, क्योंकि ये इधर उधर खो जाती हैं, हमें मिलती नहीं है, बच्चे भी तोड़ देते हैं खिलौना समझकर। तो एक तो बच्चों की पहुंच से दूर हो जाएगी, दूसरा आपको इसे ढूंढने में भी मेहनत नहीं लगेगी, ये सब एक जगह होगा। और ये वैसे भी बहुत ही खूबसूरत लगती है, क्योंकि आप इसको कहीं भी ये देखिए टांग के रख सकते हैं, कितनी खूबसूरत लग रही है। चलिए एक और आपके लिए बहुत ही अच्छा मैं टिप्स लेके आई हूँ। जैसे ये ब्रश है, हमारे यूज में नहीं है क्योंकि पुराने हो चुके हैं, इसको हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इन दोनों ब्रश को ऐसे आमने सामने रखिए। ये बिल्कुल यूज में नहीं आ रहे, देखिए बिल्कुल खराब है, कोई काम में नहीं आ सकते, हम फेंकेंगे। लेकिन मैं इसे नहीं फेंकूंगी, इसे मैं इस्तेमाल में लूंगी। मैंने ये दो रबड़ बैंड ली है क्योंकि ये छोटी है, अगर आपके पास मोटे वाली है तो आप सिंगल भी ले सकते हैं। इस तरीके से इनको आप बिल्कुल आमने सामने रखकर इस तरीके से इनको ज्वाइंट कर लीजिए। देखिए अब देखिए ये बन चुका है। इसका मैं क्या इस्तेमाल करती हूँ, देखिए दोस्तों ये जाली होती है, इसको इस तरीके से सफाई कर, दिवाली का टाइम है, फटाफट इसको इस तरह लगा के हम एक के बाद एक आराम से फटाफट इनको देखिए कितनी इजीली, ये नीचे और ऊपर दोनों साइड से एक साथ, अदरवाइज हम कपड़े से करेंगे, पहले इधर करेंगे फिर इधर करेंगे, एक साथ पूरा साफ हो रहा है। तो मैं इसी से पूरा अपने सारी खिड़कियों के जितने भी हैं ये साफ करती हूँ। शायद आपको ये टिप पसंद आया होगा, अगर आपको पसंद आए तो आप कमेंट करके बताइएगा। वेस्ट ब्रश का मैं एक और इस्तेमाल बताती हूँ, एक अभी मैंने आपको बताया है, अब इससे मैं और क्या कर सकती हूँ, क्योंकि ये किसी भी काम का नहीं है, इसमें कोई हमारा पैसा भी नहीं लगेगा। दिवाली का टाइम है, सब लोग सफाई करते हैं, जैसे ये जालियां हैं हम इसी से साफ कर सकते हैं। लेकिन इससे क्या हो रहा है दोस्तों, अंदर पूरी धूल जा रही है, तो उससे बचने के लिए मैं क्या करती हूँ आइए देख करो। अपने रूम को धूल से बचाने के लिए मैंने क्या किया, देखिए अंदर मैंने टॉवल लगा दिया, जो मेरा बहुत पुराना टॉवल है, किसी काम का नहीं है। अब मैंने ये ब्रश लिया है, इसको बहुत धीरे धीरे ऐसे देखिए जाली में हम साफ करेंगे, सारा डस्ट उड़ता जा रहा है और अंदर बिल्कुल नहीं जा रहा है, जो भी डस्ट है सारा टॉवल के ऊपर है, मेरा रूम बिल्कुल साफ सुथरा रहेगा। आप दोनों तरफ से जाली को इस तरीके से साफ करेंगे, बिल्कुल जाली साफ हो जाएगी, आपका रूम बिल्कुल साफ। आई होप आपको मेरे टिप पसंद आए होंगे, अगर आपको पसंद आए हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए।